आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे उन दो लोकसभा सीटों के बारे में जहां लालू प्रसाद यादव और अशोक महतो ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोनों की टेंशन बढ़ गई है, जिसका ही नतीजा है कि नीतीश कुमार लगातार बीते दिनों से इन दोनों सीटों पर जनसभा करना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी इन्हीं दोनों क्षेत्रों में रात्रि कैंप कर रहे हैं। इस पूरे खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। एक ओर जहां तेजस्वी यादव एक दिन में चार चार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी घमंड में चूर प्रचार में अब तक नहीं उतरे थे, वे राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगता देख चुनावी समर में कूद पड़े हैं। राजनीतिक प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में दो सीटों पर स्थिति ही ऐसी बन गई है कि अगर इन दोनों सीटों पर कहीं एनडीए की हार हो गई तो नीतीश और सम्राट दोनों की फजीहत जबरदस्त तरीके से होनी तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही सीटों नवादा और मुंगेर को लेकर जो खबर और न्यूज चैनलों के सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार जिस जाति से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आते हैं उस जाति का अधिकांश वोट राजद को जाता दिख रहा है, जिसके पीछे का मुख्य कारण कहीं न कहीं बाहुबली अशोक महतो और लालू प्रसाद यादव का कुशवाहा प्रत्याशी वाला कार्ड खेलने को माना जा रहा है, जो इन दोनों सीटों की लड़ाई काफी हद तक बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड का कर दिया है, जिसका ही नतीजा है कि चाहे वे कुशवाहा हो, कुर्मी हो, यादव हो, अति पिछड़े हो या दलित हो, सबके सब राजद की ओर आकर्षित हैं, जिसका आभास कुछ हद तक नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों को हो गया है। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नीतीश कुमार बीते दिनों से लगातार इन क्षेत्रों में जनसभा करना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी इन क्षेत्रों में रात्रि कैंप कर रहे हैं। वैसे अब देखना दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।